नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको जिला कुरुक्षेत्र के बारे में बताएंगे। आज जो हम जिस जिले की चर्चा करने जा रहे हैं वो जिला धार्मिक गतिविधियों के लिए पूरे विश्व भर में मान्य है, जिला कुरुक्षेत्र। तो देखिए करते हैं मिलके, आओ जिला कुरुक्षेत्र। तो सबसे पहले अपने चैनल के बारे में देखिए भाई, सागर क्लासेस, सागर क्लासेस रोहतक में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल है स्टूडेंट्स, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो। और किसी भी तरह का यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख के उसको हमें बताइए ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। तो देखिए सागर क्लासेज रोहतक में स्वागत है आपका। जिला कुरुक्षेत्र इसकी यदि हम स्थापना की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को की गई थी, 23 जनवरी 1973। और यह करनाल मंडल, करनाल जिले से अलग होकर के बना था। करनाल पता है आपको संस्थापक जिला है, उसमें से 23 जनवरी 1973 को जो है कुरुक्षेत्र को अलग से जिला बना दिया गया। और सबसे फेमस जो है ये वर्ल्ड में वो महाभारत युद्ध के लिए प्रसिद्ध है भाई। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। और यदि ये पूछ ले कि कुरुक्षेत्र किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो स्टूडेंट्स ये अम्बाला मंडल के अंतर्गत आता है, अम्बाला मंडल के अंतर्गत यह आता है। और वैसे कुरुक्षेत्र करनाल से अलग होकर के जिला बना है कुरुक्षेत्र। देखिए कुरुक्षेत्र की जगह स्टूडेंट्स हम KKR इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो KKR के प्रमुख नगर, यदि प्रमुख नगरों की यदि मैं चर्चा करूँ तो थानेसर, पेहुआ, लाडवा, शाहबाद और बबेन, ये इसके प्रमुख नगर हैं। थानेसर, पेहवा, लाडवा, शाहबाद और बबेन, ये इसके प्रमुख नगर हैं स्टूडेंट्स। देखिए नामकरण, यदि मैं नामकरण की बात करूँ कुरुक्षेत्र की, तो राजा कुरु, ये HSSC पूछ चुकी है कि कुरुक्षेत्र का नाम किस राजा के नाम के ऊपर पड़ा, तो कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। और यदि हम वामन पुराण की चर्चा करें, वामन पुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र में अनेक वन पाए गए थे भाई, जैसे काम्यक वन, व्यास वन, सूर्य वन इम्पोर्टेंट है पूछा जा चुका है, अदिति वन ये भी इम्पोर्टेंट है, शीत वन आदि वन जो है पुराने समय में कुरुक्षेत्र में पाए जाते थे। नेक्स्ट देखें लाहौस, ये स्टूडेंट्स एशिया महाद्वीप का देश है लाहौस, और वियांगचान इसकी राजधानी है। वियांगचान पूर्वी एशिया में यह पड़ता है। यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, अभिलेख, और वो जो अभिलेख है उसमें स्टूडेंट्स राजा देन्नक ने कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है। तो प्रश्न पूछ सकता है निम्न में से किस देश में अभिलेख मिला है जिसमें कुरुक्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है, तो स्टूडेंट्स लाओस देश में अभिलेख मिला है जिसमें कुरुक्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखें कुरुक्षेत्र की जो सीमा है स्टूडेंट्स वो 48 कोस मानी गई है, 48 कोस कुरुक्षेत्र की सीमा मानी गई है। और छठी शताब्दी के आसपास जो कुरुक्षेत्र है वो श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था, श्रीकंठ जनपद। ये प्रश्न HSSC पूछ चुकी है, ये प्रश्न आ चुका है कि छठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो छठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र को स्टूडेंट्स श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। अब जो ये श्रीकंठ है ये नाम किसने दिया, तो ये नागवंश के शासकों द्वारा दिया गया नाम था स्टूडेंट, श्रीकंठ जनपद। नेक्स्ट देखें कुरुक्षेत्र का जो वर्णन है वो बाण भट्ट, ये स्टूडेंट्स हर्षवर्धन के समय में कवि रहे हैं बाण भट्ट, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हरश्चरित में भी कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है। आगे चल के हर्षवर्धन के बारे में हम बताएंगे, तो ये भी डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि हर्षचरित के लेखक कौन हैं, बाण भट्ट हैं, उसमें किसकी चर्चा की गई है, कुरुक्षेत्र की चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखें कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होता है स्टूडेंट्स,
950 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व लगभग यह युद्ध लड़ा गया, महाभारत का युद्ध। महाभारत स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक है हरियाणा जीके में जिसमें एक आध क्वेश्चन जरूर डाल देता है, तो इसको हम अलग से करेंगे महाभारत को, 3-4 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें इस तरह से कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 950 से 900 ईसा पूर्व के लगभग यह युद्ध लड़ा गया। ये जो स्टूडेंट्स डेट है ये कार्बन 14 के अनुसार है, आपको अलग भी आंकड़े मिल सकते हैं लेकिन कार्बन 14 के अकॉर्डिंग यही है। नेक्स्ट देखें, जो 18 दिन तक चला था, ये HSSC पूछ चुकी है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन चला था, तो 18 दिन तक यह युद्ध चला था। और ये भी पूछ सकती है कि भाई कुरुक्षेत्र ये महाभारत में कुल पर्व कितने हैं, तो महाभारत में स्टूडेंट्स 18 ही पर्व हैं। पर्व का मतलब अध्याय, इसके 18 ही अध्याय हैं और 18 ही दिन युद्ध चला था। ये पुरानी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये संख्या में कितने हैं इस तरह से ये पूछ सकता है एग्जाम में, जिस तरह से वेद कितने हैं तो हमारे पास 4 वेद हैं, वेदांग कितने हैं तो हमारे पास 6 वेदांग हैं, पुराण कितने हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स 18 पुराण हैं, संस्कार कितने हैं 16 संस्कार हैं, श्रृंगार कितने हैं 16 श्रृंगार हैं, उपनिषद कितने हैं 108 उपनिषद हैं। इसी तरह से महाभारत के पर्व कितने हैं, तो 18 महाभारत के पर्व हैं। तो इस तरह से ये पूछ सकता है स्टूडेंट्स कौन सी चीज़ कितनी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, एशिया महाद्वीप की जो दूसरी सबसे बड़ी मंडी, एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी मंडी लाडवा, ये भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र में ऐसे स्थित है एक श्री कृष्ण संग्रहालय, ये स्टूडेंट श्री कृष्ण संग्रहालय कंप्लीट रूप से 1991 में कुरुक्षेत्र में बनकर के तैयार हुआ, पूर्ण रूप से यह 1991 में बनकर के तैयार हुआ। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी कहाँ स्थित है स्टूडेंट्स, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। ये बता दें स्टूडेंट्स, गुलजारी लाल नंदा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश के प्रधानमंत्री बने थे, केयरटेकर प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भी ये केयरटेकर प्रधानमंत्री बने थे। तो गुलजारी लाल नंदा नाई परिवार से संबंधित थे और इनका जन्म जो है स्टूडेंट्स वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। तो काफ़ी एक तरह से पोलाइट और विनम्र स्वभाव का इनका व्यक्तित्व था गुलजारी लाल नंदा का। इनके नाम से है कुरुक्षेत्र में संग्रहालय है, इनके नाम से कुरुक्षेत्र में संग्रहालय है। दो बार देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री बने, एक बार 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और सेकेंड टाइम 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, दो बार ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और जो है ये नाई परिवार से संबंधित है, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स, और इनके नाम से संग्रहालय जो है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखें, यह जो हरियाणा का यह जो संग्रहालय है, यह हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। जो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है यह हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। नेक्स्ट देखें, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये स्टूडेंट्स भोर सदान कुरुक्षेत्र में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सदान कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ से संबंधित एक प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट्स कई बार, साइंस में आता है ये कि मगरमच्छ में कितने हृदय होते हैं, मगरमच्छ के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं या हाउ मैनी चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स 4 प्रकोष्ठ मगरमच्छ के हृदय में होते हैं। वैसे बता दें जो जलीय जीव में 2 चैम्बर होते हैं और जो उभयचर हैं उनमें 3 चैम्बर होते हैं, मनुष्य में जो है वो 4 चैम्बर होते हैं। तो ये उभयचर हो गया स्टूडेंट्स, ये स्थल में भी रहता है और जल में भी, तो नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 होने चाहिए लेकिन इसमें कितने हैं 4 हैं, एक एक्सेप्शनल पॉइंट है इसलिए परीक्षा में पूछ लेता है। अब मगरमच्छ के प्रजनन केंद्र की बात करूँ तो स्टूडेंट्स भोर सदान कुरुक्षेत्र में स्थित है। एक ब्लैक बक काला हिरन जो प्रजनन केंद्र है स्टूडेंट्स, ये पीपली कुरुक्षेत्र में स्थित है। ये HSSC ये दोनों प्रश्न पूछ चुकी है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी पूछ चुकी है और भाई आपका ये जो है काला हिरन प्रजनन केंद्र भी पूछ चुके हैं। इनसे संबंधित एक अलग से हम वीडियो डालेंगे कि कौन से का प्रजनन केंद्र कहाँ से स्थित अलग से आ जाएगी। अब देखें छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी स्टूडेंट्स कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। ये कुल संख्या में 8 हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह से नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है, कुल ये 8 हैं संख्या में। हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और 2 हरियाणा में नेशनल पार्क हैं। 2 नेशनल पार्क बिल्कुल आसान है, बार बार रिपीट किए गए हैं,
एक तो है स्टूडेंट्स यमुनानगर में कलेसर और दूसरा है गुड़गांव ज़िले में फर्रुखनगर में सुल्तानपुर, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस जगह है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखें लाडवा का विद्रोह, ये भी HSSC में प्रश्न पूछा गया है कि लाडवा का विद्रोह कब हुआ। ये स्टूडेंट्स लाडवा का जो विद्रोह है ये 1845 ईस्वी में होता है और इसका जो नेतृत्व है वो अजीत सिंह नाम के व्यक्ति ने किया था, अजीत सिंह नाम के व्यक्ति ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखें KKR कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई। ये स्टूडेंट्स 1956 में, कई बार ये प्रश्न HSSC में रिपीट हो चुका है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1956 में हुई और यह हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था। तो देखिए किसने की स्थापना स्टूडेंट्स, ये राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है और वही आरंभ में केवल यहाँ संस्कृत विभाग ही था। जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है ये आरंभ में केवल यहाँ पे संस्कृत विभाग ही था स्टूडेंट्स, 1956 में इसकी स्थापना होती है। यह हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट शाहबाद चीनी मिल, शाहबाद जो चीनी मिल है स्टूडेंट्स 1944 से 1945 के मध्य इसकी स्थापना होती है शाहबाद में। शाहबाद कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखें आकाशवाणी केंद्र, जो कुरुक्षेत्र में स्टूडेंट्स एक आकाशवाणी केंद्र भी है बता दें आपको, जिसकी स्थापना 24 जून 1991 को की गई थी। कब की गई थी भाई, 24 जून 1991 को इसकी स्थापना की गई थी। कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र स्थापित है। हरियाणा में कुल 3 आकाशवाणी केंद्र स्टूडेंट्स, एक रोहतक है और एक हिसार है और एक कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र वाले की जो स्थापना है वो 1991 में की गई थी। नेक्स्ट देखें पुरुषोत्तम बाग, ये भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। पुरुषोत्तम बाग कुरुक्षेत्र में स्थित है। विश्वामित्र का टीला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पीहेवा कुरुक्षेत्र में स्थित है। विश्वामित्र का टीला कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। पीहेवा कुरुक्षेत्र में यह स्थित है। एक विशिष्ट ऋषि आश्रम, ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट ऋषि आश्रम कहाँ स्थित है, तो कुरुक्षेत्र में ही यह स्थित है, विशिष्ट ऋषि आश्रम। नेक्स्ट देखें ददीची ऋषि आश्रम, धार्मिक स्थली रही है स्टूडेंट्स, धार्मिक नगरी भी इसको बोलते हैं, धर्म की नगरी भी बोलते हैं। तो इस जिले में इस तरह की ही चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और इस तरह की ही चीज़ों के बारे में यहाँ से पूछता है। ददीची आश्रम, ददीची आश्रम भी कहाँ स्टूडेंट्स, कुरुक्षेत्र में है और यहीं पर महर्षि ददीची ने अस्थिदान की थी भाई, अस्थिदान की थी। तो महर्षि ददीची ने एक शेख चिल्ली का मकबरा, ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न हरियाणा की परीक्षाओं में आ चुका है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेख चिल्ली का मकबरा स्टूडेंट्स थानेसर कुरुक्षेत्र में है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। ये 1650 में इसका निर्माण किया गया था शाहजहाँ के समय में इसको बनवाया गया था और इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का ताजमहल स्टूडेंट शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। ये 1650 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। पता है आपको 1627 से 1658 तक जो है मुगल बादशाह शाहजहाँ गद्दे पर थे। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे एक कुरुक्षेत्र में जगह है थानेसर, थानेसर को स्टूडेंट्स मुगलों का द्वीप भी कहते हैं, मुगलों का द्वीप, मुगलों का द्वीप। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र में धार्मिक चीज़ें ही अधिक हैं स्टूडेंट्स, तो इनको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हम चर्चा कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के बारे में, जो धार्मिक गतिविधियां हैं, धार्मिक स्थल उनके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं इतिहास, यदि हम इसके इतिहास की चर्चा करें स्टूडेंट्स, तो सातवीं शताब्दी में थानेसर उस समय इसको सथानेश्वर बोला जाता था स्टूडेंट्स, सातवीं शताब्दी में स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र जो स्थित है, कुरुक्षेत्र में स्थित को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया। जो राजा हर्षवर्धन थे स्टूडेंट्स, इन्होंने सातवीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। बता दें हर्षवर्धन का जो जन्म है स्टूडेंट्स वो 690 ईस्वी में हुआ और ये 606 से 647 ईस्वी तक गद्दे पर थे। हरियाणा के इतिहास में हर्षवर्धन जो है स्टूडेंट्स ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन HSSC ने परीक्षाओं में पूछे हैं। तो देखिए जो इतिहास के बारे में चर्चा करें हम इसके, तो ये जो थानेश्वर है उस समय सथानेश्वर बोला जाता था, अब थानेश्वर उस समय सथानेश्वर, ध्यान रखें काफ़ी सूक्ष्म अंतर है। तो हर्षवर्धन ने उसको अपनी राजधानी बनाया, यह गद्दी पर थे 606 से 647 ईस्वी तक, 690 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखें चीनी यात्री ह्वेनसांग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई बार प्रश्न पूछता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया,
चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया और 635 से 644 तक यह भारत में रहा, स्थानेश्वर में रहा था भाई। 635 से 644 तक यह थानेश्वर में रहा। उसने अपनी पुस्तक, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, उसने अपनी पुस्तक शीयू की, उसने अपनी पुस्तक शीयू की, ये पूछ सकता है कि भाई जो है हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम बताएं, तो शीयू की में थानेश्वर की चर्चा की है कि थानेश्वर की स्थिति क्या थी, क्या वहाँ सामाजिक जीवन था, इस तरह की चर्चा उन्होंने की है। और स्थानेश्वर मंदिर, देखिए ये थानेश्वर स्थानेश्वर एक ही चीज़ है, स्थानेश्वर मंदिर जो है स्टूडेंट्स ये थानेश्वर में ही स्थित है, थानेश्वर में ही इस नाम से मंदिर स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो पुष्यभूति वंश ने के द्वारा करवाया गया, पुष्यभूति राजा के द्वारा करवाया गया था इन्होंने स्टूडेंट्स, पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। और जब ये मंदिर जर्जर हो चुका था तो इसका पुराना जो पुनः निर्माण दोबारा से निर्माण सदाशिव मराठा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखिए स्थानेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये थानेश्वर में स्थित है। किसने बनवाया था, ये बनवाया था स्टूडेंट्स पुष्यभूति राजा ने बनवाया था, इन्होंने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। और इसका पुनः निर्माण सदाशिव मराठा ने करवाया था। यह क्वेश्चन हरियाणा HSSC पूछ चुकी है भाई, यह क्वेश्चन जो है HSSC पूछ चुकी है कि स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था, तो सदाशिव मराठा ने इसका निर्माण करवाया था। पेहवा स्टूडेंट्स परंपरा के अकॉर्डिंग जो पेहवा है, ये पेहवा बता दें कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र में स्थित है पेहवा। ध्यान से देखिए, पर थोड़ा गहरा प्रश्न है। पेहवा परंपरा के अनुसार राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण यहीं पर किया था। प्रश्न पूछे राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण कहाँ किया था, तो पेहवा में किया था। इसी कारण इसका नाम पृथदक पृथु का जल पड़ा। वर्तमान में इसको पेहवा कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है, पेहवा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए किताब उल हिंद में भी स्टूडेंट्स ब्रह्म सरोवर की चर्चा की गई है, ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। और इस सरोवर को राजा क्रू ने खुदवाया, इंपॉर्टेंट है भाई, राजा क्रू ने ब्रह्म सरोवर को खुदवाया था और किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर की चर्चा की गई है। नेक्स्ट ज्योतिषर तीर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ज्योतिषर तीर्थ कहाँ स्थित है स्टूडेंट्स, KKR कुरुक्षेत्र में स्थित है। देखिए यह तीर्थ पेहवा मार्ग पर स्थित है, कुरुक्षेत्र से पेहवा मार्ग पर यह स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती। अब यह नदी स्टूडेंट्स बता दें आपको लुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है ज्योतिषर तीर्थ पेहवा मार्ग पर किनारे पर स्थित है। यहाँ सरोवर में नरवाणा नहर से यात्रियों के लिए निरंतर जल की उपलब्धता होती है, और यहीं पर स्थित वट मतलब बरगद यहीं पर स्थित वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। किसको दिया था स्टूडेंट्स, अर्जुन को दिया था। क्या कहा गया, पार्थ कहा गया, धनंजय कहा गया, काफ़ी नाम है स्टूडेंट्स अर्जुन के, तो इस तरह से पार्थ नाम किसका है, अर्जुन का है, धनंजय नाम किसका है, अर्जुन का है, गांडीव धारी नाम किसका है, अर्जुन का है। तो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश श्री कृष्ण को इसका सॉरी इसको अर्जुन को वट वृक्ष के नीचे ज्योतिषर में ही सरस्वती नदी के किनारे दिया था। तो ज्योतिषर किसके किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। किस मार्ग पर है, पेहवा मार्ग के ऊपर है। यहाँ पर उपदेश किसने दिया था, श्री कृष्ण ने दिया था। किसको दिया था, अर्जुन को दिया था। किस वृक्ष के नीचे दिया था, वट वृक्ष के नीचे दिया था। HSSC अपनी तरफ से कुछ भी स्टूडेंट्स पर्सन पूछ ले, जैसे भी पूछ ले, हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में पढ़ रहे हैं। एक एक कंटेंट आपको कई कई किताबों में से मैच करके यहाँ पर नोट बना करके यहाँ पर लिखवाया और बताया जा रहा है, तो निश्चिंत रहिए आप, एक भी पॉइंट बाहर से नहीं आएगा। तो देखिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और यहीं पर अपना विराट रूप दिखाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। वटवृक्ष के नीचे एक चबूतरा भी बनवाया गया स्टूडेंट्स, राजा दरभंगा के द्वारा एक चबूतरा भी यहाँ पर बनवाया गया था। नेक्स्ट देखें ये कुबेर तीर्थ और प्राची तीर्थ, ये भी स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं, कुरुक्षेत्र में स्थित हैं, कुबेर तीर्थ और प्राची तीर्थ। नेक्स्ट भद्रकाली मंदिर, भद्र
काली मंदिर कहाँ से स्थित है? कुरुक्षेत्र में से स्थित है। यहाँ स्टूडेंट्स 52 शक्तिपीठों में से यह है, 52 शक्तिपीठों में से एक है, यह है हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है। हर कुल कितने शक्तिपीठ हैं? 52 शक्तिपीठ हैं। हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ कौन सा है? ये स्टूडेंट्स आपका भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र है। माता के 52 खंडों में से एक खंड यहाँ पर भी गिरा था ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट देखें, सन्निहित तीर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कुरुक्षेत्र में से स्थित सन्निहित भगवान श्री कृष्ण का यह स्थायी निवास माना जाता है। इंपॉर्टेंट, भगवान श्री कृष्ण का स्थायी निवास माना जाता है और यहाँ पर 7 सरस्वती नदियाँ मिलती थी, 7 जो धाराएँ थी वो यहाँ पे पुराने समय में मिलती थी ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट देखें, गीता भवन जो है स्टूडेंट्स, ये भी कहाँ पे है? ये कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र गीता भवन, इसकी स्थापना 1921 में की गई। यह रीवा के महाराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से स्थापना की गई थी। भाई किस नाम से? कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से गीता भवन की स्थापना की गई थी रीवा के महाराज के द्वारा। नेक्स्ट देखें, ये प्रश्न आया हुआ है, बाबा काली कमली वाले का डेरा ये सन्निहित तीर्थ के निकट है स्टूडेंट। सन्निहित तीर्थ जिसको हमने यहाँ पढ़ा था, सन्निहित तीर्थ को हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स यहीं पे, जस्ट थोड़ी सी देर पहले सन्निहित तीर्थ पढ़ा था। कुबेर तीर्थ और ये सन्निहित तीर्थ भगवान श्री कृष्ण का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। वहीं पर बाबा काली कमली वाले का डेरा सन्निहित तीर्थ के निकट स्थित है और यहाँ इसकी स्थापना विशुदानंद महाराज के द्वारा की गई थी। तो ये स्टूडेंट्स धार्मिक गतिविधियाँ थी। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स धार्मिक गतिविधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित, ये है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बाणगंगा ये स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहा जाता है कि अर्जुन ने धरती में बाण मारकर गंगा निकाली थी। गंगा नदी की जो जलधारा है वो गंगा निकाली थी और उसी की जलधारा सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख में गिरी थी। ये प्रश्न आया था स्टूडेंट्स, भीष्म पितामह का नाम क्या था? तो भीष्म पितामह का स्टूडेंट्स नाम था देवव्रत। ये देवव्रत के नाम से जाने जाते थे। बाद में इन्होंने आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा ली, इस कारण से इनको भीष्म पितामह कहा गया था। तो जब ये युद्ध के अंतिम दौर में सरसैया पर लेटे हुए थे तो अर्जुन ने बाण मारकर कुरुक्षेत्र में गंगा निकाली और उसकी जो जलधारा है वो उसके मुंह में जाकर के गिरी थी। तो बाण गंगा कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। एक गौड़ीय मठ जो है स्टूडेंट्स, ये भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। चंद्रकूप यह भी स्टूडेंट्स कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में स्थित है चंद्रकूप। और महाभारत कालीन इसको माना जाता है कि स्टूडेंट्स यह महाभारत के समय का कूप है, कुआं है। इसका निर्माण जो है स्टूडेंट्स वो युधिष्ठिर ने करवाया था। इम्पोर्टेंट है, चंद्रकूप का निर्माण किसने करवाया था? युधिष्ठिर ने करवाया था। और कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राजघाट गुरुद्वारा ये भी स्टूडेंट्स जो है वो करनाल में स्थित है। एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पीर नोगजा दरगाह ये स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र में शाहबाद में स्थित है। और हमने इसके बारे में स्टूडेंट्स अम्बाला जिला करा किया था, तब भी हमने बताया था कि भैया कहाँ पर स्थित है, ये अम्बाला से शाहबाद मार्ग पर यह स्थित है। तो स्टूडेंट्स देखिए, पीर नोगजा दरगाह शाहबाद कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर मुराद पूरी होने पर, बता दें स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। पीर नोगजा दरगाह शाहबाद करनाल में स्थित है। मुराद पूरी होने पर यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है। जो मुराद पूरी हो जाती है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स घड़ी चढ़ाई जाती है। देखें आगे, कमोदा स्टूडेंट्स ये कुरुक्षेत्र में ही स्थित है कमोदा। और इस तीर्थ का संबंध काम्य वन से है। पता है हमने बताया था कि भाई कुरुक्षेत्र में काफ़ी वन है, काम्य वन था, सूर्य वन था, शीत वन था, ठीक है।
तो इसमें जो काम्य वन है उसमें कमोदा स्थित है, एक तीर्थ है। नेक्स्ट देखें, इसमें कमोदा जो है स्टूडेंट्स, इसमें वनवास काल के दौरान पांडव यहाँ पर रुके थे। वनवास काल के दौरान स्टूडेंट्स पांडव जो है वो काम्य वन में कमोदा नामक स्थान पर रुके थे या कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखें, यही कामेश्वर, यहीं पर कामेश्वर ईंटों का मंदिर है। देखिए कामोदा में ही कामेश्वर ईंटों का मंदिर है और यहीं पर एक मठ भी स्थित है, मठ भी यहीं पे है। नेक्स्ट देखिए, यहीं पर द्रौपदी ने पांडवों को खाना बनाकर खिलाया था, भाई पांडवों के लिए खाना बनाया था, किसने? द्रौपदी ने। तो इस तरह की गहरी बातें स्टूडेंट्स एसएससी में पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, कैसे प्रश्न पूछ लेता है। डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो ही हमें कमांड होगी। नेक्स्ट देखिए, आपका आबका स्टूडेंट्स, ये ऋग्वेद कालीन नदी है और आबका ये स्थान है, आबका जो है वो स्थान है और आबका नदी के ही तट पर यह है स्थित है। तो नदी का नाम भी वही है और स्थान का नाम भी वही है। नेक्स्ट देखें, कमलनाथ तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ, ठीक है। मारकंडे तीर्थ, ये मारकंडे पूछा गया है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। मारकंडे तीर्थ कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखें, नरकतारी, नरकतारी तीर्थ, नरकतारी तीर्थ और वाल्मीकि तीर्थ, ये भी कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखें, वाल्मीकि तीर्थ जो है स्टूडेंट्स, ये पूछा गया था, बाबा लक्ष्मीगिरी महाराज ने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। जो वाल्मीकि तीर्थ है वहाँ पर बाबा लक्ष्मी जी जो महाराज थे उन्होंने जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट देखें, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही और गुरुद्वारा छठी पातशाही, ये स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? ये कुरुक्षेत्र में स्थित हैं। और यहाँ बता दें, जो नौवीं पातशाही गुरुद्वारा है ये गुरु तेग बहादुर की याद में बना है। गुरु तेग बहादुर जिसको स्टूडेंट्स औरंगजेब ने मार दिया था, इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, इस कारण से गुरु तेग बहादुर को जो है वो मार दिया गया था। इनके नाम से काफ़ी गुरुद्वारे चर्चा में हैं। नेक्स्ट देखें, कालेश्वर मंदिर, कालेश्वर मंदिर, कालेश्वर मंदिर, ये भी कुरुक्षेत्र में स्थित है कालेश्वर मंदिर। इस स्थल पर जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भगवान रुद्र की स्थापना की थी कहाँ पर? कालेश्वर मंदिर। कालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस पर क्या भगवान, इस रावण ने क्या किया था? भगवान रुद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखें, अमीन गांव, यहाँ से भी प्रश्न बार बार पेपर में आ चुका है स्टूडेंट्स, एचएसएससी काफ़ी बार प्रश्न पूछ चुकी है। अमीन गांव जो है, अमीन गांव, इस गांव का नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के नाम पर पड़ा है, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के नाम पर पड़ा है। अब यहाँ इसका नाम बदल दिया है स्टूडेंट्स, अब इसको अभिमन्युपुर कहा जाता है। अमीन गांव प्राचीन काल में यहाँ पर अभिमन्यु के नाम पर ही, अमीन गांव का नाम अमीन था, अब इसको अभिमन्युपुर कहते हैं। यहीं यहीं पर इसी स्थान पर स्टूडेंट्स पता है आपको महाभारत में जो है, महाभारत में जो है चक्रव्यूह रचा गया था अभिमन्यु के लिए और इसी स्थान पर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट्स, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन उसको तोड़ना नहीं आता था और कौरवों की तरफ से उसको नियमों, युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके जो उसको मारा गया था। तो उस वो जो जगह है आज स्टूडेंट्स अमीन गाँव के नाम से प्रसिद्ध है और अब बीजेपी सरकार ने अमीन गांव से उसका नाम अभिमन्युपुर दोबारा से रख दिया है। नेक्स्ट देखें, प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर अदिति, प्रसिद्ध मंदिर, मंदिर अदिति जो है वो अमीन गांव में ही स्थित है, अमीन गांव में ही स्थित है। एक सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर स्टूडेंट्स, ये भी कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में स्थित है और बाबा सर्वणनाथ ने इसको बनाया था, बाबा सर्वणनाथ ने इसको, सर्वेश्वर महादेव मंदिर को बनाया था। नेक्स्ट देखें, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर, दुख भंजेश्वरी मंदिर, ये पूछा गया प्रश्न है, दुख भंजेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। और कुछ एक मेले भी हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, जैसे वैसाखी का मेला है, सूर्य ग्रहण का मेला है, ये पूछा गया था सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है। देखिए सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में लगता है, सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। पेहवा का मेला, पेहवा का मेला, पेहवा कुरुक्षेत्र में है। एक मारकंडा का मेला स्टूडेंट्स, ये शाहबाद में लगता है, मारकंडा का मेला शाहबाद में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका सिस्टमेटिक ढंग से कुरुक्षेत्र जिला यहाँ पे कंप्लीट होता है। कई किताबों से, अलग अलग किताबों से ये कंटेंट जो है वो सेट किए हैं और इसके लिए
काफ़ी मेहनत करके ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं, अच्छा लग रहा है तो भी स्टूडेंट्स कमेंट्स के माध्यम से बताएं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके द्वारा गया जो किया गया जो शेयर और सब्सक्राइब है वही स्टूडेंट्स इसमें मेहनताना है। और किसी भी तरह की स्टूडेंट्स कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय भारत, जय हरियाणा।